हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की स्टूडियो में बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यह जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन उसके अंदर इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के जो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी इंक्लूडेड है। तो हम इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे इजीली वे में, ठीक है, और आपको इजीली समझ में आए। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है उसके अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। जीएनएम जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप इंग्लिश में पढ़ें बेटर रहेगा, आगे फ्यूचर में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्ड कार्बोहाइड्रेट डिराइव कार्ब सी एंड हाइड्रेट H2O बेस्ड ऑन इट्स केमिकल फॉर्मूला CH2O, ठीक है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन, ठीक है, और हाइड्रेट यानी H2O यानी वाटर से, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया CH2O, ठीक है। तो ये था हमारा जनरल इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी बात करेंगे हम, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, सबसे पहला आया हमारा कार्बन, सेकेंड है ऑक्सीजन एंड थर्ड है हाइड्रोजन। तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट बना है। इसके बाद इसके अंदर पढ़ेंगे एग्जाम्पल क्या क्या इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स आर शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोस, ये चार जो पदार्थ हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या है, शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोस, ये चार इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल्स है। अब बात करेंगे इसके डेफिनेशन की क्या है। इट कंटेन वन वाटर मॉलिक्यूल्स H2O फॉर द ईच कार्बन एटम, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6, ठीक है। इट इज़ अ रीजन वाई कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इज अ वॉटर कार्बन, ठीक है, वॉटरेट कार्बन, मतलब कि इसके अंदर वन मॉलिक्यूल होता है H2O का, ठीक है, और ईच यानी हर एक कार्बन के साथ H2O जुड़ा होता है, इस वजह से इसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन नॉर्मली। अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये वाला। इट इज प्रोवाइड 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, ठीक है, पर ग्राम में कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, 4 कैलोरी पर ग्राम में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है एक नंबर में जीएनएम वालों के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद सेकेंड है इट फॉर्म 2-3% ऑफ टोटल बॉडी मास, और ये कितना बॉडी मास बनाता है, 2-3% बॉडी मास बनाता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में। अब पढ़ेंगे मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा स्टार्च और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, स्टार्च एंड पॉलीसेकेराइड्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म, मतलब स्टोरेज जहाँ होता है फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, किसके अंदर क्या स्टोरेज होता है, प्लांट्स के अंदर है। इट फाउंड इन केयरलेस एंड रूट और ट्यूबल्स, इसके अंदर क्या है, ये मिलता है रूट्स एंड ट्यूबल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस क्या होता है, इट इज इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब कि ये इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोस, ठीक है। सेल्यूलोस क्या होता है, इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, और यह
न्यूट्रेटिव, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता है सेल्यूलोज से, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, किसके अंदर स्टोर होते हैं, एनिमल्स के अंदर। इट फाउंड इन टू मीट, ये मीट है ठीक है, टी है, मीट, फिश एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको क्या एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा सिंपल शुगर। सिंपल शुगर कितनी, दो प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स आर कॉल्ड सिंपल शुगर। कौन कौन से शुगर को हम सिंपल शुगर कहते हैं, मोनोसेकेराइड को और डाइसेकेराइड्स को। अब सबसे पहला पढ़ेंगे हम मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ग्लूकोज जिसके अंदर डेक्सट्रोज 80% होता है, ठीक है, फ्रैक्टोज होता है, फ्रूट शुगर एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये चार, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज, तीन चीज़ें होती हैं मोनोसेकेराइड्स के अंदर। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड किसके अंदर होते हैं, माल्टोज जिसे माल्ट शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर, सोर्स कैन शुगर और बीट शुगर। इसके अंदर कौन कौन सी शुगर आती है, कैन शुगर एंड बीट शुगर, माल्ट शुगर एंड मिल्क शुगर, चार शुगर इसके अंदर इंक्लूडेड है डाइसेकेराइड्स के अंदर, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं सिंपल शुगर, किस किस इसके जो शुगर है उसके टाइप्स है, ठीक है, जो है मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड किसको कहेंगे, ये ग्लूकोज को कह सकते हैं, फ्रैक्टोज को कह सकते हैं, गैलेक्टोज को कह सकते हैं, ठीक है। अब डाइसेकेराइड किसको कहेंगे, माल्टोज को, लैक्टोज को, और इसके बाद सोर्स हो गए और शुगर के किस किस से शुगर आपको प्राप्त होती है उसके बारे में आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट हमारा, ग्लूकोज इज अ मेन ब्लड शुगर। ग्लूकोज क्या है, मेन ब्लड शुगर होता है जो 80% होता है, ठीक है, 80% क्या है, मेन ब्लड शुगर होता है ग्लूकोज में, ठीक है। छठा पॉइंट, टोटल ऑफ 2 to 5 grams ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली सर्कुलेटेड इन द ब्लड डेट मेक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। कितना ब्लड शुगर लेवल बनाता है, तो यह हमारा ब्लड शुगर लेवल बनाता है कितना, 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डीएल का मतलब होता है पर डेसी, डीएल मतलब होता है डेसीलीटर, ये वैल्यू होती है ग्लूकोज की मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसका नॉर्मल अर्थ क्या हुआ, टोटल जो वॉल्यूम है हमारी 2 to 5 grams पर ग्लूकोज नॉर्मली सिक्रेट होती है, मतलब अपने जो बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, 80 से 120 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अब डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहला है द रिकमेंडेड इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, बी डेट इट कॉन्ट्रीब्यूट 50 to 70% होना चाहिए ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक। और टोटल एनर्जी हम इंटेक लेते हैं उसके अंदर 50 to 70% क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, बट मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल डाइट कंटेन अमाउंट मोर देन ऑफ दिस लिमिट इन द सेम केस ऑफ अप टू 90% ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी मेड बाय कार्बोहाइड्रेट ओनली। इंडिया में क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है उससे अधिक खा लेते हैं, ठीक है, उसकी लिमिट क्रॉस कर देते हैं रिक्वायर्ड की, तो इन केस कभी कभी 90% भी इसका चांसेस हो जाता है। 90% कौन सा, 90% कौन सा, ये 50 to 70% जो हमको डेली रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में क्या है 90% हो जाती है, ठीक है, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट इसकी थी। तो ये थे हमारे नॉर्मली शॉर्ट्स नोट्स
किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या होता है, ठीक है। शुगर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मेन सोर्सेस, ठीक है, ग्लूकोज लेवल क्या होता है वगैरह इसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। यदि आपने हमारी इसकी पहली वीडियो न्यूट्रिशन के ऊपर इंट्रोडक्शन था वो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। और आगे की हम वीडियो में लाएंगे प्रोटीन, फैट, लिपिड वगैरह उसके ऊपर, और विटामिन के ऊपर भी वीडियो लाएंगे शॉर्ट नोट्स के। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें नर्सिंग नोट्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें, और कौन सा भी टॉपिक आपको चाहिए। थैंक यू।